बिहार में नीतीश कुमार की सरकार भले ही सड़क एवं पुल पुलिया निर्माण के लिए जानी जाती है, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में एक ऐसा भी जगह है जहां पर पुल निर्माण के लिए लोग अभी भी लालायित हैं। बताया तो यह जाता है कि बंसी चाचा यहां पर पुल निर्माण की मांग के लिए आत्मदाह कर लिए थे। उनके जीवन में तो पुल का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन बाद के दिनों में जरूर एक पुल का निर्माण हुआ, लेकिन मानो वह पुल भी अधूरा इसलिए रह गया क्योंकि इस पुल को लाभान्वित या जोड़ने के लिए दो अतिरिक्त पुल की यहाँ पर जरूरत महसूस की गई थी और इस पुल के निर्माण के लिए आज भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, बावजूद पुल का निर्माण एक सपना सा लगता है। यह जगह कोई और नहीं, बिहार की मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर है। यह मोतिहारी जिले का क्षेत्र माना जाता है। बताया जाता है कि मोतिहारी जिले के इस जगह पर पुल निर्माण के लिए आज लोग लालायित हैं और लगातार संघर्ष किया जा रहा है। चंपारण की धरती सत्याग्रह के लिए भले ही मशहूर है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी सड़क तो बनी है लेकिन पुल निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुल निर्माण के लिए यहाँ के लोग बजाबता संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसका नेतृत्व संजय सिंह कर रहे हैं। बताया जाता है कि संजय सिंह वह शख्स हैं जो पुल निर्माण तक के लिए आंदोलन का एक नया तरीका इजाद किया है। उन्होंने बजाबता दाढ़ी बढ़ा लिया है और कहते हैं कि जब तक पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक वे अपना दाढ़ी नहीं मुड़वाएंगे। और इस आंदोलन की कहानी आप यूं समझ लीजिए कि हमारी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, हमारे पीछे जो यह जो स्थल है यहीं पर पुल निर्माण का मांग किया जा रहा है। बिहार सरकार के तमाम राजनेताओं से इनकी मुलाकात हुई, चुनाव आए तो सब आए, राजनेताओं ने इनको खूब आश्वासन दिया, वोट बटोरे, लेकिन नहीं बना तो सिर्फ एक पुल, और इस पुल ने इलाके का विकास का आईना ही बेकार कर दिया है, मानो विकास का चेहरा ही बदसूरत कर दिया है। न सिर्फ बिहार सरकार की कार्यशैली यहाँ झूठी प्रतीत होती है, बल्कि यहाँ इलाके के लाखों लोगों को लगता है कि विकास नाम का जो सपना है बिहार में, सुशासन नाम का जो सपना है बिहार में, वह एक महज झूठा और दिलासा देने वाला है। बताते हैं यहाँ के ग्रामीण कि जब जब नीतीश कुमार के कदम भी चंपारण की धरती पर पड़े हैं तो यहाँ पुल निर्माण का मामला उन तक पहुंचा है। डायरेक्ट सीएम हाउस तक भी संघर्ष समिति के लोग पहुंचते रहे हैं। स्थानीय सांसद से लेकर विधायक तक पुल निर्माण के लिए गुहार करते रहे हैं। सबने आश्वासन दिया लेकिन पुल निर्माण के पहल में किसी ने सहभागिता नहीं दी। बजाबता इन लोगों में नाराजगी इस कदर अब भड़क चुकी है कि इस बार उन्होंने निर्णय भी ले लिया है कि अब की पुल नहीं बना तो वोट का सामूहिक रूप से बहिष्कार करेंगे, और वो भी एक दो लोग बहिष्कार नहीं करेंगे, पूरा का पूरा वह इलाका वह सभी गांव बहिष्कार करेगा जो इस पुल से लाभान्वित है। बच्चा बच्चा यहां पर पुल निर्माण की मांग की इच्छा रखता है। बजाबता यहां के लोगों ने संघर्ष की गाथा ऐसे लिखी है कि पुल निर्माण के लिए यहां पर गाना भी लिख दिया गया है। गाना लिखा ही नहीं गया है, सिंगरों ने इस समस्या को अपने स्वर में पिरो दिया है और बजाबता गाना निकालकर पूरे इलाके में इसको प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। संघर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं संजय सिंह। हमने उनसे बातचीत किया और पूछा कि आखिर दाढ़ी बढ़ाने का और पुल निर्माण का और इस गाना को बनाने का मकसद क्या है, और यह जो मामला है पुल निर्माण की जो समस्या है कब से चली आ रही है और कब तक चलेगी, क्या उन्हें कुछ अंदाजा है? हमसे बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। यह कटु सत्य है कि हमारी तीन पीढ़ियां लगातार प्रयास कर रही है, हम चुनावों में केवल आश्वासन के भरोसे चल रहे हैं। हर 5 साल में चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हमें बस आश्वासन प्राप्त होता है कि इस बार यह पुल का निर्माण संभव हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं। दिल्ली तक की हमारी दूरी 160 किलोमीटर कम होगी अगर इस पुल का निर्माण होगा,
और 35 से 40 हजार किसान काश्तकार तो सीधे तौर पे लाभान्वित होंगे स्कूल के निर्माण होने से। बहुत लंबा वक्त लगा हमें खड़ा होने में और पिछले 2 वर्षों से लगातार मेरी दाढ़ी बढ़ रही है। हमने बिहार भवन दिल्ली में यह संकल्प लिया कि जब तक स्कूल का निर्माण नहीं होगा हमारी दाढ़ी बढ़ती रहेगी। हालांकि परेशानियां तो होती है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा परेशानी है उस पुल के न बन पाने से। तो निश्चित रूप से अब यह संघर्ष समाप्त तभी होगा जब पुल का निर्माण होगा और हम समर्पित हैं, संकल्पित हैं, हम एकत्रित हैं और निश्चित रूप से यह जो हमारा आपस का संगठन है अदौरी खोरी पाकर पुल निर्माण संघर्ष समिति का, हम आश्वान्वित हैं कि जिस तरीके से लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से यह संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है, निश्चित रूप से सत्ता और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। अभी सत्ता या सरकार यह समझती है कि उसका चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इस बार यह भी हो सकता है कि हम अपने आक्रोश को दर्ज कराने के लिए चुनावी मैदान में लोगों को उतारने का प्रयास करें। निश्चित रूप से यह दाढ़ी मेरी संकल्प की दाढ़ी है और इस अदौरी खोरी पाकर पुल निर्माण के लिए हम संकल्पित हैं और हमने बार बार मानव श्रृंखला किया, जगह जगह हल्ला बोल। और प्रशांत किशोर जी जो अपने जदयू के हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इनसे भी कई मुलाकातें हो चुकी हैं, पथ निर्माण मंत्री से मुलाकातें हो चुकी हैं, कई बार हमने प्रधानमंत्री ग्रीवेंस पोर्टल पे भी डाला है, कई जगह हमने RTI डाले। विधानसभा में आसपास के जितने भी विधानसभा हैं इनके विधायकों के प्रश्न जा चुके हैं, उठ चुके हैं स्कूल निर्माण के पक्ष में। यहाँ तक कि विधान परिषद में अब यह आश्वासन समिति के पास है। दिलीप राय जी के प्रश्न पे सतीश जी मोतिहारी और देवेशन ठाकुर ने इस पर बहस किया था तो मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग ने आश्वस्त किया था निर्माण के लिए और ये आश्वासन समिति के पास लंबित है। हम संघर्षित हैं, हम संकल्पित हैं, थकान के थकने तक जारी रहेगा संघर्ष और पुल के बनने तक दाढ़ी रहेगा हमारा यह संकल्प जारी रहेगा, दाढ़ी का, बढ़ती दाढ़ी का। और निश्चित रूप से इस बार विधानसभा में हम आक्रोश दर्ज कराने के लिए अपने उम्मीदवार भी उतारने का प्रयास करेंगे अगर पुल का निर्माण संभव नहीं होता है तो। धन्यवाद। मैं संजय सिंह। यह तो हुई पुल निर्माण से जुड़े हुए संघर्ष की कहानी। आइए हम आपको एक गाने का झलक भी दिखाते हैं जिसमें बजाता पुल निर्माण के संघर्ष की कहानी को बजाता गाना के माध्यम से दिखाया जा रहा है। उस गाने में क्या कुछ कहा गया है आइए जरा आधी सुन लीजिए। बंसी चहा चके मन तू रखिहा, बंसी चहा चके मन तू रखिहा, रघुनाथ झा के सम्मान हो, खोड़ी पाकर घाट पे भैया, खोड़ी पाकर घाट पे भैया, करके बपुल निर्माण हो ए भैया, करके बपुल निर्माण हो। जानकी जन्म भूमि गोरखपुर से जुड़ी, दूर होई जई है दुनु के बीच के दूरी, ज
जानकी के जन्म भूमि गोरखपुर से जुड़ी। दूर होई जई हैं दुनु के बीच के दूरी, खेत खाली हाथ में रहे हरियाली, खेत खाली हाथ में रहे हरियाली, खुश रही कौआ जा वार हो, बंसी चाचा के माने तू रखी हा, बंसी चाचा के माने तू रखी हा, करे के बपुल निर्माण हो ए भैया, करे के बपुल निर्माण हो। छात्र नौजवान के इहे अरमान बा, एही में सब के मान सम्मान बा, छात्र नौजवान के इहे अरमान बा, एही में सब के मान सम्मान बा, देवे के होई चाहे जन बलिदान में, देवे के होई चाहे जन बलिदान में, एही में सबके सम्मान हो, रघुनाथ झा के माने तू रखी हा, रघुनाथ झा के माने तू रखी हा, करे के बपुल निर्माण हो ए भैया, करे के बपुल निर्माण हो। जुलमी जुलम करे वोट में आवेला, जाति पाति छाप में सबके भुलावेला, जुलमी जुलम करे वोट में आवेला, जाति पाति छाप में सबके भुलावेला, वोट के बदले झाड़ू दिखाए मैं, वोट के बदले झाड़ू दिखाए मैं, कर के बपुल निर्माण हो, माँ जानकी के माने तू रखी हा, माँ जानकी के माने तू रखी हा, करके बपुल निर्माण हो ए भैया, करके बपुल निर्माण हो, बंसी चाचा के माने तू रखी हा, बंसी चाचा के माने तू रखी हा, रघुनाथ झा के अरमान हो, खोड़ी पाकर घाटे पे भैया, अदौड़ी गाँव के घाटे पे भैया, करे के बपुल निर्माण हो ए भैया, करे के बपुल निर्माण हो। तो सुना और देखा आपने, चंपारण की धरती पर आज भी विकास की भले ही गंगा बढ़ रही है, लेकिन इस विकास की गंगा के बीच सड़क तो बने हैं, लेकिन पुलिया निर्माण के लिए जो नदी है यहाँ प्रवाहित हो रही है, उस दोनों धारा के बीच में एक संगम स्थल पर पुल का निर्माण की मांग के लिए बरसों पुरानी संघर्ष की यह गाथा है।
जिसे कहते हुए सुशासन की सरकार में यहाँ की जनता को काफी शर्म महसूस होती है। एक उम्मीद भी जगती है कि आखिर कब पुल का निर्माण होगा, क्या सही में इन लोगों के मांगों को पूरा किया जा सकेगा, क्या विकास वाले पुरुष बिहार के सीएम नीतीश कुमार चंपारण की इस धरती पर पुल निर्माण की मांग और यहाँ जो पुल निर्माण का सपना है उसको पूरा कर पाएंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो यह शंका और आशंका के बीच पुल निर्माण और पुल के अभाव की समस्या है, वह चंपारण के लोगों को जीना मुहाल कर दिया है, खास करके इस इलाके के दर्जनों गांवों के आबादी को आवागमन पर संकट उत्पन्न कर दिया है और देश दुनिया से इनका संपर्क रोक दिया है। देखना है कि नीतीश कुमार की विकास वाली नीति आखिर चंपारण के इन लोगों के लिए कब एक वरदान साबित होती है और आखिर कब उनका नजर इस धरती के इन लोगों पर टिक पाता है। दीपक कुमार तिवारी, ए टू जेड न्यूज लाइव, चंपारण, बिहार।